पंजाब में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें कांग्रेस पार्षद के भाई और उनके सहयोगी के जरिए पैसे उधार देने के मुद्दे पर महिला की पिटाई की गई थी। मामला पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का था, जहां कांग्रेस पार्षद राकेश चौधरी के भाई और उसके सहयोगी के जरिए महिला की पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला की पिटाई पैसे उधार देने के मुद्दे पर की गई। आपको बता दें, एक दिन पहले ही समाचार एक्सप्रेस ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। लोगों ने इसे दबाकर शेयर किया। आखिरकार पुलिस पर दबाव पड़ा, इसके बाद कांग्रेस सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ी। इस घटना को लेकर एसएसपी मंजीत डेसी का कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पीड़िता को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इससे पहले गुजरात में बीजेपी नेता के जरिए एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया था। गुजरात के अहमदाबाद की नरोदा विधानसभा सीट से विधायक बलराम थवानी ने एनसीपी की एक महिला नेता के बीच सड़क पर लातों से पिटाई की थी। दरअसल पाइपलाइन को लेकर उठे विवाद की शिकायत लेकर महिला अहमदाबाद की नरोदा विधानसभा सीट से विधायक थवानी के पास गई थी, लेकिन समाधान करने की जगह विधायक ने महिला के साथ मारपीट की थी। महिला को सड़क पर गिराकर पहले विधायक के समर्थकों ने थप्पड़ मारे, फिर खुद विधायक ने लात मारी। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। देखो जी, इदा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट जिहड़ा अज होया मुक्तसर दे विच, जिहड़ा मीना राणी नूं जिहड़ा हैगा अज उहदे घर जा के उहदे नाल कुटमार कीती गई और उहनूं घड़ीस के जिहड़ा बाहर लिया के उहनां दी फिर बाहर भी जिहड़ी वीडियो वायरल होई इस संबंध दे विच। और वीडियो वायरल जिद्दां ही वीडियो वायरल होई, साडे पुलिस कोल वी ओह वीडियो वायरल हुंदी उस वेले आ गई। हालांकि सानू कंप्लेनेंट वालों हाले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची सी, क्योंकि ये मुक्तसर ना बूढ़ा गुजर रोड दी वीडियो इदा किसी ने लिख के पाई तो मेरे को भी पहुंची। तो उस तो बाद उस वेले फौरी साढ़े DSP मुक्तसर और SHO सिटी हरकत च आ गए और सारिया अपने जिन्हें भी थाने दी टीम्स है सारिया असी उस वेले मूव कराते। हालांकि लड़की उस वेले फिर हॉस्पिटल ले जाया गया सीगा, तो उहदे नाल ही असीं अपनी टीम्स लाते, क्योंकि वीडियो दे विच कुछ शख्स जिहड़े हैगे आ उह दिस रहे सीगे, कुछ पहचान उहनां दे बारे पता लग रही सी। तो उस वेले ही साडियां जिहड़ी टीम्स पहुँच गईआं, असीं अज 6 बंदे इहनां 'चों टोटल राउंड अप कर ले हैगे जी, और टोटल 10 अक्यूज हैगे आ। असीं इहदे 'च मुकदमा जिहड़ा हैगा 357 354 354 B 148 509 506 323 120 B 'च जिहड़ा हैगा असीं दर्ज कीता, और इहदे विच असीं सख्त तों सख्त जिहड़ा हैगा ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 6 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਨੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਖੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਰਫ ਰਿਸੂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੈਬੋ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 6 ਹੈਗੇ ਜੀ। ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਜ਼ ਏ ਲੇਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਗੇ।